नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम है संदीप शिंदे। आज हम बनाएंगे हिंदी में ब्लॉग। जैसा कि हमने शुरुआत में एक वीडियो बनाया था जिरेनियम खेती के ऊपर, वैसे ही आज वो जिरेनियम की जो उत्पादन जो होता है, जो मटेरियल जो निकलता है, उसकी आगे प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम आज वीडियो बनाएंगे। उसका ऑयल कैसा निकलता है, वो प्लांट पे हम आज आए हैं यहाँ, उसके बारे में हम आज जानेंगे। कैसे ऑयल निकलता है, कितना मुनाफा मिलता है, उस बारे में हम आज पूरा वीडियो बनाएंगे। तो ये अपने चैनल पे मराठी में कंटिन्यूसली ब्लॉग आता है, लेकिन ये हिंदी में बनाने का कारण यही है कि बाहर के जो खेती करने वाले भाई लोग हैं, जैसे कि बाहर के राज्य में जो है स्थित, उन लोगों को ये वीडियो समझ में आए कैसे जिरेनियम की खेती में से मुनाफा मिलता है, ऐसा उनको समझ में आए, इसलिए। तो दोस्तों चलो शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो जानेंगे पूरा जिरेनियम जो ऑयल है, ऑयल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे निकलता है, उसका प्रोडक्शन कैसे बनता है और कंपनी के लिए कैसे भेजा जाता है, उसके बारे में आज पूरा वीडियो आज हम शेयर करेंगे। तो जो पिछले टाइम जो जिरेनियम खेती पे हमने वीडियो बनाया, जो हमारे पहले फार्मर भाई थे, हम उन्हीं से जानेंगे कि जो ऑयल की प्रोसेस है, जिरेनियम की जो ऑयल की प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अभी ऑयल का जो फैक्ट्री है, अभी ऑयल की फैक्ट्री स्टार्ट की है और जो पहला बॉयलर है, अभी जो पहला जो टैंक है उसमें पूरा जिरेनियम का जो पत्ता है पूरा यहाँ डाल चुके हैं और इसको बंद किया जा चुका है। अभी दूसरा जो टैंक है उसको भरने का काम अभी शुरू है। तो जैसे कि दोस्तों हमने पहले वीडियो बनाया था, उसमें जो हमारे फार्मर भाई थे राजू साड़ों के, उनके खेत में जाके हमने वो वीडियो बनाया था। तो जिरेनियम खेती पे पूरा जो वीडियो था, उस वीडियो में सब जिरेनियम की खेती के ऊपर सब इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं वो। अभी जिरेनियम का जो ऑयल प्रोसेस है, उसके उनकी जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में हम आज आए हैं और यहाँ पे जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आज हमको साळुंके सर देने वाले हैं। तो जानेंगे साळुंके सर के साथ हम आज पूरा वीडियो शेयर करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो शेयर कीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो साळुंके सर नमस्ते। जैसे कि पहले वीडियो में अपने प्रेक्षक पूरे जो है उनको आपका वीडियो पसंद आया, उन्होंने जैसे कि आपको कॉल करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी, वो हिसाब से हमने आज जो दूसरा वीडियो है, जो ऑयल की जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री के बारे में पूरा जो डिटेल है वो अपने जो फार्मर भाई लोग है। तो ये वीडियो जानबूझ के हम हिंदी में बना रहे, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ोन आए वो बहुत सारे जो ये है फार्मर भाई है वो हिंदी में इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, वो हिसाब से अपन आज हिंदी में वीडियो बनाएंगे। हमारे डिस्टिलेशन प्लांट पे आज ऑयल का ऑयल निकलना चालू हुआ है। तो इसके पहले प्रोसेस ऐसी होती है कि जैसे अभी खेत में से ये बायोमास बोले तो जिरेनियम का पाला अभी आया है, ये ट्रैक्टर से यहाँ लाया गया और ये लाने से पहले अभी ये देखो, अभी इसको देख रहे होंगे ये पत्ती इतनी मोटी मोटी है। तो इसको कल इसको खेत में सी कटर से काटा गया और एक दिन इसका माउचर कम करके, इसमें ज़्यादा माउचर था तो करके इसका माउचर खेत में कम कर दिया गया और आज इसको यहाँ प्लांट पे लाया है। अभी यहाँ प्लांट पे लाने के बाद इसको अभी ये जो हमारे सहकारी है, जो हमारे पार्टनर यूनिट के जो है, अभी ये बाजू में इसमें टैंकी में ये बायोमास डाल रहे हैं और ये बायोमास डालने के बाद अभी ये जो हमारी जो डिस्टिलेशन टैंक है, तो ये हमारा जो यूनिट है, ये दो टैंक, इसमें दस कुंटल का दो टैंक है। तो 10 कुंटल टैंक होने से एक टैंकी में 10 कुंटल माल बैठता है। तो 10 कुंटल माल बैठने के बाद इसमें अच्छी तरह से दबाना पड़ता है और दबाने के बाद इसमें
ये जो बाद में इसको ढक्कन लगा दिया जाता है और ढक्कन लगाने के बाद उसकी प्रोसेस चालू होती है। तो जैसा कि किसान भाइयों जो हार्वेस्टिंग करके जो जेरेनियम के पौधे यहाँ पे लाए हैं, कटिंग करके जो कल कटिंग किए थे और आज कल हार्वेस्टिंग किए और आज ये प्लांट पे लाए गए, तो यहाँ पे पहले जो उधर जो आपको टाकी दिख रही है, ये टाकी में पहले पूरा जेरेनियम का पत्ता भरा गया है और इसका अभी ऑयल निकलना, अभी जो ये दूसरी टंकी भरी है तो उसका जब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, वो वाली टंकी में जो मटेरियल डाला है उसका प्रोसेस जब ख़त्म हो जाएगा तब ये टाकी को ढक्कन लगा के इसका प्रोसेस सब शुरू होगा। तो इसके बारे में साळुंके सर हमको, हमारे प्यारे भाइयों को थोड़ा सा बताइए। अभी जैसे कि ये टाकी अभी भरी है, अभी इसके पहले उधर वाली टाकी भर के मतलब उसकी प्रोसेस चालू हुई है। अभी इसका प्रोसेस अभी ऐसा होगा कि ये देखो अभी ये इसका ऊपर ढक्कन लगा दिया है, अभी वो इसमें से ये बॉयलर में से इधर ये स्टीम आ रही है, ये पाइप में से स्टीम इधर जा रही है ये नीचे से। अब ये स्टीम इधर से ऊपर जाएंगी और ऊपर जाने के बाद वो पाइप से सीधा ये कंडेंसर में आएंगी। ये जो गोल वाला दिख रहा है ये कंडेंसर, हाँ ये भाई ने जो हाथ लगाया ना इसको, ये कंडेंसर की कैप है, इसमें से जो स्टीम है ये अंदर जाएंगी। ये हमारा इतना बड़ा कंडेंसर है और ये कंडेंसर में उसकी स्टीम जाएंगी और स्टीम इसमें जाने के बाद 25,000 लीटर की वाटर की टैंक है। ये टैंक में से इधर पानी आता है नीचे, इधर अपने को जो इसको कंडेंसर को जो कूल वाटर लगता है ये पाइपलाइन से इधर ये कूल वाटर आया है इधर। ये तो 2 इंच पाइप इससे ये कंडेंसर को यहाँ से कूल वाटर दिया है, यहाँ से कूल वाटर आ रहा है। यह कूल वाटर जो यहाँ से ये कंडेंसर को दिया है तो ये जो ऊपर से गर्म जो स्टीम आ रही है वो स्टीम को ठंडा करने के लिए कूल वाटर लगता है। अभी यहाँ से अंदर ही कूल वाटर जाएगा, उधर से जो स्टीम आ रही है उसको ठंडा करके फिर ऑयल जो है इधर से ये ऑयल यहाँ से इधर आएगा। अभी ये नली से इधर वाटर और ऑयल दोनों मिक्स इसमें आएगा और वाटर दोनों साथ में मिक्स यहाँ गिर रहा है। अभी यहाँ इसको सेपरेटर बोलते हैं, ये सेपरेटर में से इधर हाइड्रोसोल निकलता है, बोले तो कंडेंसर में से जो वाटर आया है उसको हाइड्रोसोल बोलते हैं। इसमें से हाइड्रोसोल निकल रहा है और अभी ऑयल इधर ये जमा हो रहा है ऑयल, तो थोड़ी देर से ऑयल इधर गिरने को लगेगा और ये जो यहाँ पानी गिर रहा है तो ये पानी गिरने के बाद ये जो शीतला बना हुआ है ये शीतले में ये जो पानी गिर रहा है अभी यहाँ गिरने के बाद ये पानी यहाँ गिर रहा है तो ये गर्म अभी थोड़ा सा गर्म पानी है, यहाँ ठंडा होने के बाद ये जो पानी है ये पानी अपन पुनः रिटर्न यूज कर सकते। ये रेड वाला पाइप है, ये रेड वाला पाइप से ये पानी अच्छा, तो ये शीतले में से जो वाटर है पूरा वो टंकी में वापस से जाएगा, अपन रीयूज कर सकते, मतलब हम इसको रीयूज करते है और ऐसा ये पूरा सिस्टम चलता है। ऐसे इधर से पानी वो टाकी बड़ी टाइम 25,000 तो ये जो पूरा वेस्टेज मटेरियल है क्या? हाँ अभी वो उधर जो लंबा उधर दिख रहा है वो तो अभी उसका ऑयल निकलने के बाद उधर ये कंपोस्ट खत बनाने के डाल दिया है। तो इससे और कुछ फायदा हो सकता है क्या? ये जो वेस्टेज मटेरियल है जिरेनियम का पूरा पत्ते का अगरबत्ती बनेंगे, अभी फिलहाल हम उसका तो कंपोस्ट खत बना रहे, खेत में एकदम बढ़िया उसका रिजल्ट आता है। और ये बाजू में जो पड़ा है ये तो मतलब हमारा अभी जिसको डिस्टेंस जा रहा है उसको ये लकड़ी लाया है। दोस्तों आप देख सकते हो कि इतनी सारी लकड़ियाँ यहाँ जेरेनियम के प्लांट पे यहाँ पे ला चुके हैं, जलाई है, जो जलाने के लिए लकड़ियाँ यूज होती है। कम से कम 1 टन लकड़ियाँ यहाँ जलाते हैं और जो जेरेनियम का जो ऑयल है वो ऑयल यहाँ से ये प्लांट में से बहुत सारा निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख चुके हो कि कम से कम आधे एकड़ में यहाँ ये प्लांट उभारा है और जो किसान भाई है हमारे, वो किसान भाइयों ने मिलके एकजुट होके यहाँ पे ये प्लांट बनाया है और यहाँ से बहुत ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन जानेंगे हम साळुंके सर से। अभी हाँ सर, अभी जो आपने यहाँ लकड़ी दी की तो हमारा जो यूनिट है तो ये यूनिट को 10 क्विंटल का एक वेसल है तो एक वेसल में से ऑयल निकालने के लिए लगभग 2 घंटा टाइम लगता है और 2 घंटे में हमें 70 kg यह लकड़ी लगती है। और ये लकड़ी और ये बाबी नीचे तो आपने पहले ही बताया कि हमारा ऑयल निकालने के बाद जो वेस्टेज है यहाँ पड़ा है
अभी उसमें हम पानी डाल के उसको सड़ा रहे, मतलब कंपोस्ट उसका उसमें डीकम्पोजर मारा डाल के उसमें अभी कंपोस्ट बनेगा और खेत में ये अपना मतलब अच्छी तरह से खाद बनेगा ऐसा। और ये पूरा वॉल कंपाउंड देख रहे हैं आप कि पूरा वॉल कंपाउंड के अंदर हमारा ये यूनिट है। और ये हमारा जो यूनिट है ये हमने ओरिसा से लिया है, शीतल आरोमेटिक, जो एकदम बढ़िया से सर्विस भी मिलती है। अभी ये डिश स्टेशन ख़त्म होने के बाद ये आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाला ये क्रेन है। अभी क्रेन से इसमें का जो बायोमास है ये बायोमास ये जो ये साखली है इसके बांधने के बाद ऊपर उठाया जाएगा। इधर ट्रैक्टर लगेगा, ये ट्रैक्टर में एक क्रेन से इधर ट्रैक्टर से वो ट्रैक्टर में वो बायोमास चल जाएगा। अभी प्लांट के बारे में थोड़ा बोलना बोले तो ऐसा है कि ये जो प्लांट है हमने उड़ीसा शीतल आरोमेटिक उनके पास से ख़रीदा है और यूज़ करने में एकदम आसान है। हाइट बोले तो ज़्यादा 4.25 फुट की लगभग हाइट है और उसकी जो डीप है ये 8 फुट की स्ट्रेंथ है उसकी वाली। और ये जो कंडेंसर बॉयलर ये जो मतलब एकदम सूटेबल ऐसा ये यूनिट है। और अगर आपको ये यूनिट के बारे में अगर ज़्यादा कुछ जानना है तो नीचे आपको नंबर दिया जाएगा, वो नंबर के आप नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ये देखो अभी नीचे चूल्ही बनी हुई है, ये चूल्हे में ये आधा HP का ब्लोअर लगा है। ये ब्लोअर अभी ये बॉयलर को नीचे से हवा दे रहा है और ये हवा से इधर ये जो हमारे भाई है उसमें ये लकड़ियाँ डाल रहे हैं। ये लकड़ियाँ मतलब ये इससे क्या होता है अभी आप फायर देख सकते हैं। ये देखो ये फायर कैसा होता है, ये फायर हो रहा है एकदम बढ़िया से। और इधर से जो लकड़ी डाल रहे तो वो लकड़ी डालने की एकदम बढ़िया मोटी सी जगह की हुई है। और इधर जो मतलब एकदम जो कुछ शिकवाने अड़ाने आदमी वो भी ये बोलो मतलब ये बॉयलर को यूनिट का चला सकता है। खाली ये जो पानी देखो ये पानी नीचे ऊपर हो रहा है तो यहाँ से मतलब समझ में आता है भाई इसे ऊपर पानी जान देना नहीं है, बाकी सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसे एकदम ईजी वाला ये यूनिट है इतना हम बोल सकते हैं। बाकी आप जो हमारे मैन्युफैक्चरर है उससे बात कर सकते हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों आपने देखा कि जो हमारे पहले फार्मर थे, जो पहला वीडियो था जिरेनियम के बारे में, तो वही जो फार्मर है राजू जी साड़ुंगे, उन्होंने पूरे उनका जो प्लांट है जो जिरेनियम का ऑयल निकालने का जो प्लांट है उस पर पूरा हमने वीडियो बना अभी हम पूरा वीडियो बना चुके हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत। और जो पहला जो वीडियो है जिरेनियम खेती पे जो पूरा वीडियो है वो डिटेल में वो वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वो लिंक पे जाइए और पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों ये जो हिंदी में वीडियो बनाने का कारण था, हमारे जो बाहर राज्यों में जो किसान भाई है उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने हमारे मराठी चैनल पर ये हिंदी में वीडियो बनाया है। तो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। यहाँ से परचेस किया है हमारे किसान भाइयों ने तो वहाँ का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ये मशीन के बारे में पूछना हो तो ज़रूर उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और उनसे जो सवाल है आप पूछ सकते हैं।